इस धरती में सबसे बड़ा है तो वो है ब्राह्मण, उससे बड़ा ये तुम जान। केपी त्रिपाठी खुद आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं एवं उन्होंने हमारी पूरी सिमरिया को अपराधियों के हवाले झोंक दिया है। जितने भी यह बात कही है वह निंदनीय है, वह यह पाप चुनाव जीतने और हारने के बाद उन्हें नहीं करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ शुभम यादव। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जो ऐसे वक्त पर आई है जब देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस आजादी के दिवस को अमृत काल के रूप में लोग मना रहे हैं। पूरा देश देशभक्ति और भाईचारे की अलख जगाते हुए घर घर तिरंगा लहरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंध्य की बाहुल्य ब्राह्मण जाति को गालियां दी जा रही हैं। हाल ही में भाजपा नेता के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रियों को जिस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए गाली दी गई है, ये कितनी निंदनीय है और कितनी अशोभनीय है ये आप तय करें। लेकिन ऐसा होता देख विंध्य के विकास पुरुष कैसे देख रहे हैं या कैसे देखते हुए भी कुछ न बोल पाने की स्थिति में है या कारण कुछ और है, हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में दिखाएंगे, बताएंगे और सुनाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सत्ता में बने रहना, किसी भी जाति के वोट बैंक को साधे रखना और इसी वोट की राजनीति में झोंकते हुए कैसे जिले के बीजेपी नेता ब्राह्मणों क्षत्रियों का खुला अपमान करने वालों को मान देते हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसे लोगों को विंध्य क्षेत्र का ब्राह्मण माफ करता रहेगा? जिन्हें ब्राह्मणों का नेतृत्व करने का जिम्मा मिला है वो अपने निहित स्वार्थ के लिए अपनी ही बिरादरी को अपमानित करते रहेंगे? आखिर इन नेताओं की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? क्या हकीकत में विंध्य के ब्राह्मण नेता सिर्फ ब्राह्मणों को वोट बैंक के लिए उपयोग करते हैं, अन्य जातियों के तलवे चाटने से गुरेज नहीं करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर ब्राह्मण क्षत्रिय को यह अपना दुश्मन क्यों मान बैठे हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विंध्य क्षेत्र में ब्राह्मणों का अपमान ये पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी ने जाति धर्म क्षेत्रवाद के नाम पर हर वर्ग के लोगों का शोषण और अपमान समय समय पर किया है। विंध्य क्षेत्र में ब्राह्मणों का अपमान करने की नींव एक दशक पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय भगवत शरण माथुर ने रखी थी, जब उनके द्वारा एक भरी सभा में विंध्य के ब्राह्मणों की तुलना राक्षसों से कर दी गई थी। वहीं हाल ही में भाजपा के नेता जिसे सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और राजेंद्र शुक्ला अपना लंगोटिया यार बताते हैं, उसने तो सारी मर्यादाएं पार करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। ये तथाकथित भाजपा नेता सत्येंद्र पटेल उर्फ गुड्डा सिमरिया क्षेत्र का जाना माना खनिज माफिया बताया जा रहा है, जो सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के संरक्षण में क्षेत्र की धरती को लगातार छलनी कर रहा है, अपने साथी के साथ उसके गुरु की तिजोरी भर रहा है और वहीं क्षेत्र के ब्राह्मणों का लगातार अपमान भी करता आ रहा है। विधायक केपी त्रिपाठी का अगर अस्तित्व है तो रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की वजह से, और दोनों के चमचे ही एक दोनों के पूरक माने जाते हैं। अगर दोनों ये एक हैं तो निश्चित है कि दोनों की शह पर ही गुड्डा जैसे खनिज माफिया और इनके चहेतों द्वारा क्षेत्र के ब्राह्मणों का लगातार अपमान और शोषण किया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ जहां दोनों नेता अपनी तिजोरी भर रहे हैं, वहीं विंध्य के ब्राह्मणों का लगातार अपमान भी कर रहे हैं। मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के नेता से जुड़ा हुआ है जिसने हाल ही में भाजपा के समर्थन में अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, वही गाली दे तो जरूरी है कि पहले सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में हुई घटनाओं की आपको याद दिलाई जाए। आपको मालूम है कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार से लेकर ब्राह्मण क्षत्रियों के दमन और दमनकारियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लग चुके हैं, जिसमें आप पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा के ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया, जिसका आरोप सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर लगा। इटौरा गांव में युवक की हत्या करवाने का आरोप भी इनके चहेतों पर लग चुका है। वहीं तीसरी घटना जिसमें इनके कारनामों को उजागर करने पर न्यूज चैनल की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, इतना ही नहीं चैनल के मालिक पर झूठा मामला भी इन गुरु चेले की जोड़ी ने दर्ज करवाया था। रीवा शहर में खुद सिमरिया विधायक शराब दुकान में घुसकर मारपीट करते हुए देखे गए, वहीं दिव्यांग व्यक्ति का सिर फोड़ते हुए भी देखे गए। अभी हाल ही में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और राजेंद्र शुक्ला का चहेता राम मंडल अध्यक्ष ऋतुराज चतुर्वेदी, जिसने सैलून संचालक के साथ दुकान में घुसकर मारपीट की, जिसका मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि राजेंद्र शुक्ला और केपी त्रिपाठी का चहेता सत्येंद्र पटेल उर्फ गुड्डा ब्राह्मणों को सरेआम गाली देता हुआ वायरल हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, सिमरिया विधायक ने अपने कारनामे उजागर करने पर कई लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए हैं। कांग्रेस के नेता भागीरथ शुक्ला के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराकर जिला बदर की कार्रवाई करवा दी। विधायक केपी त्रिपाठी और राजेंद्र शुक्ला के अगर कोई निशाने में रहा है तो ब्राह्मण ही रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ब्राह्मणों की वोट को अपनी पैतृक संपत्ति मानते आए हैं। विधायक केपी त्रिपाठी तो स्वयं भरी सभाओं में कई बार घर में घुसकर मारने की धमकी भी दे चुके हैं।
और उनके किले में घुस के उनको मारने का काम किया था। उस तरह हमारे यहाँ आओगे तो ठीक, अनहद बिकाऊ कहोगे, दुनिया के किसी कोने में जाओगे तो हम सिमरिया के लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। घर में घुस कर मारेंगे जो हमारे साथ जब खुद संरक्षक की भक्षक बन जाएं, उनके गुर्गे ऐसे कारनामे करते ही रहेंगे। जानकारों का मानना है कि यह पूरा खेल पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजन शुक्ल के द्वारा केपी त्रिपाठी को सामने कर खेला जा रहा है। भाजपा नेता सत्येंद्र पटेल उर्फ गुड्डा के द्वारा गाली दिए जाने के बाद अब ब्राह्मणों का ठंडा पड़ा खून उबाल मारने लगा है, लेकिन इस उबाल की आग सोशल मीडिया में ज्यादा देखी जा रही है। हालांकि कुछ संगठनों के द्वारा विरोध दर्ज कराकर FIR दर्ज करने की मांग की गई है, इसका ज्ञापन भी सौंपा गया है, साथ में नारेबाजी भी की गई है। लेकिन जिस तरह से भाजपा नेताओं का संरक्षण ब्राह्मणों को अपमानित करने वालों को लगातार मिलता रहा है, उससे नहीं लगता कि सत्ता की कठपुतली बनी पुलिस समाज को बांटने वाले कुंठित मानसिकता के लोगों पर कोई भी कार्रवाई करती हुई देखी जाएगी। सुनो, इस धरती में सबसे बड़ा है तो वो है ब्राह्मण, उससे बड़ा ये तुम जान, ये तो आपके पास सत्य, उससे बड़ा मान नहीं अपने एरिया में, खास कर पूरे विंध में। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य और महाराज कुमार इतना खतरनाक है, पूरे धरती में खाई ले रहा है। समाज में महिमा मंडित करने के लिए ब्राह्मण अपने आप को मायलाजी कहलाता है और ठाकुर महिमा मंडित है, इसलिए जो महाराज कुमार कहलाता है। आजकल देखिए ब्राह्मण सबसे दुखी है, जो तरक्की करके कर गए उनको ना आरक्षण मिल रहा है, ना उनको हल्का हल्का काम करते। आप पता कर लेना, शिवेंद्र सिंह महापौर ने स्कूल में किया करा तो रात बैठ के, यहाँ का जो मैटर था वो बोला कि भाई साहब एक बार जिसकी जहाँ ड्यूटी लगी थी लेट्रिन साफ करने में, सुलभ कॉम्प्लेक्स में अगर सबसे ज्यादा ड्यूटी है नौकरी लगी वो ब्राह्मण। आइए आपको सुनाते हैं राजनीतिक जानकारों और विरोध दर्ज कराने वालों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। दुर्भाग्यजनक बात है, सिमरिया में पिछले 4 वर्षों से BJP के विधायक KP त्रिपाठी हैं। KP त्रिपाठी खुद आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं एवं उन्होंने हमारी पूरी सिमरिया को अपराधियों के हवाले झोंक दिया है। हर जगह गुंडागर्दी हावी है, लूटमार हावी है। विकास के नाम पर अगर एक सड़क 100 मीटर की, एक नहर की एक छोटी सी शाखा, एक छोटी सी पुलिया, कोई भी एक ऐसा एक कोई भवन बता दें जो 4 वर्षों में हुआ, केवल अगर हुआ है तो पंचायतों का दोहन, यात्री प्रतीक्षालय के नाम पर सरपंचों पर दबाव, वो गौशाला के नाम पर सरपंचों पर दबाव और विधायक निधि का दुरुपयोग। और आपको पता ही है यात्री प्रतीक्षालय कितने में बनता है, 3,67,000 रुपये में, और ये 50,000 का भी इसमें निर्माण कार्य नहीं होता, इसमें प्रत्येक विधायक को 1.5 लाख रुपये प्रति यात्री प्रतीक्षालय कमीशन मिलता है। और ये खेल पूरे मध्य प्रदेश में शुरू है और हमारे सेवरिया में भी विकास के नाम पर उतना ही मिलेगा। और रही बात आपकी जो ये गाली गलौज वाली आप बात कर रहे हैं, ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये गलत दिशा पर जाने का परिणाम है। 31 मार्च 2022 तक जो मेरे पास डाटा है थानेवार सिमरिया क्षेत्र का, 68 लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए गए। 68 लोगों पर बैजनाथ क्षेत्र से लेकर खदानों के अवैध उत्खनन अल्ट्रा ट्रैक के साथ मिली भगत से लेकर के जितने भी लोग हैं, लोगों पर 68 लोगों पर झूठे मुकदमे दायर करके उन्हें जेल भिजवाया गया। 18 लोगों पर हमला हुए हैं राजनीतिक, जिन्होंने थोड़ा भी आवाज़ उठाई है उनके साथ मारपीट हुई है, उल्टा उनके ऊपर मुकदमा भी लगे हैं, पिटाई भी हुई है। कई लोगों के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई प्रचलन में है। अभी एक पूर्व सहकारी समिति के अध्यक्ष एक वहाँ शुक्ला जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो इनके
विरुद्ध आवाज उठाते थे, तो जनपद चुनाव के बाद 5 दिन के अंदर आनन फानन में प्रशासन का दुरुपयोग करके उनके पर जिला बदर की कार्रवाई की गई और 48 घंटे का समय दिया जाता है तो उनको 5 मिनट के अंदर उठा करके बाहर किया गया। भय और आतंक का ये जो काम, जातिगत ठेकेदार पालने का जो ये प्रवृत्ति है कि हम पटेलों में इस ठेकेदार को पाल देंगे, ब्राह्मणों में हम इस ठेकेदार को पाल देंगे, ठाकुरों में हम इस ठेकेदार को पाल देंगे, तो जब हम गलत दिशा पर जाएंगे तो परिणाम तो गलत आएगा ही आएगा। हम किसी भी जाति की राजनीति नहीं करते, वोट सबका एक बराबर है, किसी की इच्छा होगी देगा, नहीं होगी नहीं देगा, हम उस पर दमन नहीं कर सकते, स्वाभाविक है, ये सब चीज़ें हर जगह चलती रहती हैं। लेकिन हम कोई अपना एक ऐसा गुर्गा पालें, भाजपा का राजनीतिक संरक्षण देकर पदाधिकारी बनाकर पालें, फिर उन्हीं से जाति आधार पर गाली दिलवाएं, तो भाजपा के नेताओं को बुरा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो बुरा लग रहा है। मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों को मैं सड़क पर लाकर उनकी इज्जत को 2 कौड़ी में मिलने दूंगा। मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, किसी के साथ भी गलत बात होगी तो उसमें हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और समाज में हम अपने मान सम्मान से ऊपर किसी बात को नहीं मानेंगे। गाली देने वाला गुड्डा पटेल वर्तमान बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी और राजेंद्र शुक्ला का खास बताया जाता है, क्या इन्हीं की शह पर ब्राह्मणों को अपमान हो रहा है? अब ब्राह्मण तो ये भी हैं, त्रिपाठी जी भी हैं और शुक्ला जी भी हैं, अब इन्हें अपमान नहीं लग रहा होगा और ये कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये इनकी सह है। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि मुझे बुरा लग रहा है और ये तो स्वयं है स्पष्ट। जिसने भी यह बात कही है वह निंदनीय है, वह यह पाप चुनाव जीतने और हारने के बाद उन्हें नहीं करना चाहिए और इसकी ससत अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है तो जो रीवा का प्रेम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उस प्रेम को आगे बढ़ाते हुए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। एक व्यक्ति जो है सतेंद्र सिंह गुड्डा, जो कि जिसका काम जो है दलाली का काम है, जिसने जो है लोगों का आक्रोश व्यक्त किया है और ये सब लोग जो आए हुए हैं, सारे लोग ये सब लोग अलग अलग लोगों से आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर से, उसको पता नहीं था, अपने घर पर बैठ के वो फेसबुक देख रहे थे, फेसबुक देखते हुए भूल गए, उसको जो लाइव चल रहा था, लाइव चलते हुए बाजार पे गए, बाजार पे वो जो वायरल हुआ और जिस बच्चे ने इसको डाउनलोड किया वो एक कांग्रेस का एक व्यक्ति है, आईटी सेल से आता है, जिसने डाउनलोड किया, हम जैसे लोगों को बताया और वायरल हुआ। आज यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, यहाँ पर कोई नेता या कोई दल के लोग नहीं है, अपनी बात कहने लोग आए हैं और इन सबको देख कर जो है मैंने भी कल आह्वान किया था, राजेंद्र शुक्ला जी से मैंने आह्वान किया था, मैंने केपी त्रिपाठी जिनके वो मित्र सखा हैं उनसे अपील किया था और ये समस्त लोग, और मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ इस बात को बताने के लिए कि जिस प्रकार माँ बहन की गालियाँ, जिस प्रकार का द्वेष उनके मुँह में भावना थी, उससे जो है सत्येंद्र सिंह गुड्डा की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी अगर उनकी नहीं होती है तो स्वयं धरने पर बैठेंगे। यहाँ पर हम केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग, किसी भी पार्टी और किसी भी दल से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा ब्राह्मण और ठाकुर समाज को कोई व्यक्ति कोई भी समाज का हो गाली देगा, हम उसी से पानी चाहते हैं और उसके साथ FIR करना चाहते हैं। जैसे हम TI साहब, जस्टिस साहब उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे और युवा बंद करेंगे। कई दिनों से एक ऑडियो वायरल हो रही है जो फेसबुक ऑडियो लाइव है, उस ऑडियो में एक सज्जन के द्वारा, जो नाम उनका पटेल जी है, उपनाम कहते हैं सत्येंद्र सिंह गुड्डू उर्फ गुड्डू गुड्डा उर्फ कहते हैं, उनके द्वारा लाइव फेसबुक में एक ऑडियो वायरल हो रही, उस ऑडियो में उनके द्वारा क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज को अश्लील, अपमर्यादित, अपमानित करने के शब्दों का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। इससे समूचे देश में ऑडियो वायरल है और हर जगह से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि रीवा में इस प्रकार की ऑडियो और खुलेआम फेसबुक के माध्यम से ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो दो वर्गों में संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने सिविल लाइन थाना प्रभारी महोदय को सामूहिक रूप से, समस्त ब्राह्मण क्षत्रिय और सभी समाज के लोगों ने ऐसे अश्लील अपशब्द कहने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, जो अपराध है, जो ये क्राइम है, इस क्राइम को सामूहिक रूप से कहने वाले व्यक्ति को, जो संवैधानिक और मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उस संबंध में आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए और ये
और ये किसी कहे अनुसार किसी संगठन के एक नेता भी कह जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व में रहने वाले व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना निश्चित तौर से निंदनीय है। इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए, कम होगी। निश्चित तौर से यदि गिरफ्तारी नहीं होती तो सभी समाज के सामूहिक लोगों से आग्रह किया जाएगा कि संदर्भ में मानी जो एक टेबल बना है, चैनल बना है, पुलिस अधीक्षक महोदय को, आईजी महोदय को, डीजीपी महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ, ताकि पुनरावृत्त भविष्य में नहीं होनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग भविष्य में नहीं करें, इसके लिए आज ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में ये बात कही गई है कि सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल हो रहा है सतेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर, उनका कहना है कि उन्होंने जाति सूचक जाति विशेष के लिए अपमानित शब्दों का और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। उसी के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया कि उन्होंने जाति विशेष के संबंध में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, उसकी जाँच होकर के उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। उसी का आवेदन और ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। अभी आगे क्या कार्रवाई होगी? अभी ज्ञापन आवेदन प्राप्त कर लिया गया थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा पर, आज उसकी जाँच करके वैधानिक जाँच करके जो भी कार्रवाई होगी उसको कार्रवाई सौंप दी। खैर, अकबर इलाहाबादी का वो शेर इस पूरे किस्से पर सार्थक बैठता है कि हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।